इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। समाजवादी समागम के नाम से एक परिवर्तन यात्रा दिल्ली से निकली हुई है। हमारे साथ सुनीलम है जो एक सोशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहला आपका हमारे चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम। सर, ये जो आपने अभी यात्रा की और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि NRC, CAA और NPR के लेकर कागजात नहीं दिखाने चाहिए और कागजात नहीं देने चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, कागजात का मामला तो तब आएगा जब आपके पास में जो व्यक्ति आएगा आप उसको नाम बताएंगे। मेरा कहना यह है कि सरकार ने जिस तरीके का पूरा ताना बाना बुना है उसमें वो अगर उनका कोई भी कर्मचारी आता है उसको ना तो नाम बताना चाहिए, ना कोई जानकारी देनी चाहिए और ना ही कोई दस्तावेज बताना चाहिए। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम तो दस्तावेज आपसे पूछने के लिए नहीं आए, हम तो केवल आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन असलियत ये है कि जो भी व्यक्ति जानकारी दे देगा फिर सरकार उसमें से देखेगी कि कौन से लोग ऐसे हैं जो उनके हिसाब से संदिग्धता की श्रेणी में आ रहे हैं, फिर उनके साथ से वो दस्तावेज बुलाने का काम करेगी। और जो लोग दस्तावेज अपना नहीं दे पाएंगे उन लोगों को फिर ट्रिब्यूनल के सामने भेजा जाएगा, उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलेगा, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजने का काम किया जाएगा। तो मसला अब केवल ये नहीं है कि आप कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम अपना नाम भी नहीं बताएंगे, हम अपनी कोई भी जानकारी नहीं देंगे। हम इस पूरी यात्रा को जब 30 जनवरी से हमने दिल्ली से शुरू की ये भारत जोड़ो संविधान बचाओ समाजवादी विचार यात्रा, हम अब तक 30 शाहीन बाग से होके आए हैं। दिल्ली के जामिया में मैं गया, शाहीन बाग में गया और अब तक 30 शाहीन बाग में होके आए, जहाँ पर अकेले अहमदाबाद के अंदर दो जगह पर 5,000 महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थीं, भीलवाड़ा में 10,000 महिलाएं उपस्थित थीं, यहाँ पर पूना में सांगली में 10,000 महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी थी। मतलब ये है कि देश के अंदर इतिहास करवट ले रहा है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने कभी भी किसी मुद्दे को लेकर के इस तरीके का प्रोटेस्ट करने का काम नहीं किया है। और इसलिए हमको लगता है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या गोडसे ने की और गोडसेवादी आज दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, लेकिन गांधी आज हर शाहीन बाग में जिंदा हैं। हर महिला जो गांधी जी का अहिंसा को अपना करके गांधी जी के मार्ग पर चल करके सत्याग्रह करने का काम कर रही है, हम उन महिलाओं को गांधीवादी के तौर पर देख रहे हैं। और हमको ये लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, भारत बंद हुआ था, 13 जो है वहाँ पर दलित शहीद हुए थे और उसके बाद में सरकार को पीछे हटना पड़ा। आदिवासियों के 35 लाख जो परिवार थे उनको उजाड़ने का बात हुआ था, फिर आदिवासियों ने आंदोलन किया, सरकार को पीछे हटना पड़ा। भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर बदलाव सरकार चाहती थी, 3 बार अध्यादेश लेके आई लेकिन सरकार उसको नहीं कर पाई। RCEP को लेकर के सरकार समझौता करना चाहती थी, नहीं कर पाई। और अभी जब ट्रंप आ रहे हैं, देश का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी, सबसे बड़ा डिक्टेटर देश का, और मुझको लगता है कि एक फासिस्ट अलायंस इस पूरी दुनिया में बन रहा है और वो दुनिया के अंदर फासिस्ट अलायंस जो है ट्रंप और मोदी उस अलायंस को लीड कर रहे हैं। और इसलिए जनवाद में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और समता में विश्वास रखने वाले जो भी लोग हैं पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, उन सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जैसे साम्राज्यवाद के खिलाफ में एक समय में पूरा दुनिया इकट्ठी हुई थी जिसका नेतृत्व तो गांधी जी उस समय कर रहे थे, या जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर रहे थे, JP कर रहे थे, उस तरीके से अब जो एक फासिज्म की एक नई धुरी बनी है, जिस तरीके से एक धुरी हिटलर और मुसोलिनी की धुरी थी उसी तरीके से ये एक धुरी बनी है जो मोदी और ट्रंप की धुरी है। इस धुरी से लड़ना ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से ये सुना है कि 47,000 करोड़ के समझौते होने वाले हैं। उस समझौते में डेयरी प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट होगा, उसके अंदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट होगा, जिसका मतलब है कि 15 करोड़ किसान सीधे सीधे उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और इस तबाही को रोकने के लिए जब ट्रंप आ रहे हैं उस दिन पूरे देश के किसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं कर्नाटक के किसानों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको भी
विरोध करना चाहिए, क्योंकि आरसीपी के माध्यम से जो कोशिश कर रहे थे मोदी, वही कोशिश अब मोदी ट्रंप के साथ में समझौता करके करने वाले हैं, और इसका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पक्का भरोसा है कि आज जो आंदोलन चल रहा है, ये जो आपने एनआरसी का कहा या आपने जो एनपीआर है और जो सीए है, उसका जो विरोध है और उसका जो एक सोशल बेस है, वो इतना ब्रॉड बेस है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हों या प्रोग्रेसिव हिंदूज हों, सब लोग आकर के मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इसलिए इस लड़ाई के अंदर जीत होना निश्चित है। सरकार को अपना कदम पीछे हटाना पड़ेगा। सर, बहुत सही कहा आपने कि पूरे देश के अंदर एक तरह का माहौल बना हुआ है, एहतजाज हो रहा है, लेकिन क्या बात है कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये कहते हैं कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर कैसे हल होगा ये बताइए। देखिए, ये तो उनकी हठधर्मिता है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जामिया के मामले में रास्ते को खाली कराने के लिए इंटरलोक्यूटर तय कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के एक मोहल्ले के लोग, उनको अगर ट्रैफिक में कुछ तकलीफ हो रही है तो उसकी उनको चिंता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये चिंता नहीं है कि करोड़ों लोग आंदोलित हैं, करोड़ों लोग जो है वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। शासकों को तो रास्ते पर आना पड़ेगा, उनको जनता से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 चुनाव हार चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट चुनाव हारा है वो दिल्ली का चुनाव हारा है। पूरी पॉलिटिक्स को पोलराइज करने के बाद, पूरे मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद, पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने के बाद, शाहीन बाग को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, जेएनयू को और जामिया को आतंकवादियों का अड्डा, देशद्रोहियों का अड्डा बताने के बाद भी वो चुनाव हार गए। और इससे एकदम साफ है, इसके पहले झारखंड में हारे, इसके पहले महाराष्ट्र के अंदर ब्रेक लगा, इसके पहले मैं जहाँ से आता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, मतलब वो 7 राज्यों में हार चुके हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिशियन होता है वो सत्ता की भाषा को समझता है, और उनको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसी दिशा के अंदर गए तो आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे वो हारेंगे, और उनकी दिल्ली की सत्ता भी सुरक्षित नहीं रहेगी, और इसलिए वो जरूर ही पीछे हटने वाले हैं, ये बात मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ। ये हिंदू राष्ट्र का की तरफ जो ध्रुवीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, तो ये तो उसके बावजूद भी, वो दिल्ली हारने के बाद भी कहीं पर भी पीछे आते नज़र नहीं आ रहे, फिर उसी तरफ हिंदू मुस्लिम की ही भाषा करते नज़र आते। देखिए, दुनिया का इतिहास ये बताता है कि फासिस्टों को जनता भगाती है। हिटलर को भी भगाया था, मुसोलिनी को भी भगाया था, और एक समय में इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लादने का काम किया था, उनको भी खदेड़ा था। तो जनता खदेड़ती है, और जनता कानून भी सब बदलवा देती है। जो लोग ये कहते हैं कि सीए का कानून पास हो गया तो अब नहीं बदल सकता, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई, इमरजेंसी भी कानूनी तौर पर लागू हुई थी, और उसके बाद में जनता ने सरकारी पलट दी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है संशोधन हो गया, तो उसके बाद में कानून भी बदल गया। तो जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट को अधिकार है फैसला करने का, और जो है उसने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, लेकिन भारत के संविधान जो है वो हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी देता है। और ये बात अभी जो है हाई कोर्ट ने भी, बॉम्बे के हाई कोर्ट ने भी कह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया है कि आप आंदोलनों को धारा 144 लगा करके नहीं रोक सकते, और आपको आंदोलनों को रोकने का मतलब है कि आप लोकतंत्र के ऊपर आप अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। तो देश के अंदर एक डिबेट चल रही है, और मुझे लगता है कि ये वैचारिक बहस है, इसको हिंदू मुसलमान की दृष्टि से मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी और अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये वैचारिक मामला है, ये राइट और लेफ्ट का मामला है। मतलब जो लोग ऐसे हैं जो संविधान में भरोसा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, ये उनके बीच में संघर्ष है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति में भरोसा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, तो ये एक किस्म का वैचारिक युद्ध चल रहा है, और इस वैचारिक युद्ध में जीत भारत की 37 करोड़ 50 लाख जनता की होगी, इंशाल्लाह यही हमारी इच्छा है। देखिए, अभी संविधान बचाओ जो आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ 30 जनवरी को, अभी तक करीब 7 राज्यों में घूम के 50,000 किलोमीटर यात्रा कर चुकी है। आज कर्नाटक में वो लोग आ गए, कर्नाटक में
23 तक ये लोग रहेंगे, फिर बाद में तमिलनाडु निकल जाएंगे। इस यात्रा का मेन मकसद है, जो आज देश में बीजेपी या मोदी अमित शाह ने माहौल ठहरा किया है, माहौल क्रिएट किया है, आज पूरा देश में बहुत परेशानी है, लोग कोई संतुष्ट नहीं है। जो हमारे मेन मुद्दा है किसानों का, बच्चों का, पढ़ाई का और देश का, गरीबों का, मजदूरों का, वो मुद्दा चर्चा होने नहीं दे रहे। मंदिर या मस्जिद या कोई और राष्ट्र के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, ये लोगों को दिशाहीन कर रहे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को सही बात बताना है और सही रास्ते पे लाना है। गांधी जी जो सपना उन्होंने देखा था, सारे धर्म, सारे मजहब, सारे देश के लोग मिल के रहे और इस देश को मजबूत बनाए और मजदूरों को न्याय मिले, जो मेहनत करता है उसको सही मालिक बने, लेकिन वो बात नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस यात्रा को निकाले हैं। ये आंदोलन 23 मार्च तक चलेगा। हैदराबाद में डॉक्टर लोहिया के जन्मदिन पर यहाँ पर पहला जो फेस है उसका समाप्ति होगा, फिर बाद में दो फेस बचेगा। ये यात्रा चलेगा 31 अक्टूबर 2020 तक। पूरा देश भर में ये आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन में सारे लोग आ रहे हैं। सर, NRC, CAA, NPR को लेकर जिस तरह से एक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इस पर आपके? देखिए, ये NRC, ये CAA, ये मतलब जो इशू नहीं था वो इशू को उन्होंने लाया है। इसलिए लाया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइज करके, जो इनका जो RSS का जो मेन मुद्दा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो सेकुलर रहेगा, जो संविधान के तहत देश बनते आ रहा है उसी को कायम रखेंगे। ये देश को न हिंदू राष्ट्र बनाना है न या इस्लामिक स्टेट बनाना है, ये देश सेकुलर रहेगा और ये देश सारे धर्मों का, सारे मजहब, सारे जात के लोगों का रहेगा। यह हम सेकुलर राष्ट्र बना रखने के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पाटिल साहब, उन्होंने कहा कि ये मुल्क सदियों से सेक्युलर रहा है, यहाँ पर कोई भी जातिवादी शक्तियाँ पनपी नहीं है और ये जनता पनपने भी नहीं देती। देखना है कि ये कानून को किस तरह से हुकूमत वापस लेती है या अपनी तानाशाही पर कायम रहती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।